द फर्स्ट सेंटेंस इज मैं तुमसे मिलना चाहता हूं. इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट टू मीट यू. आई वॉन्ट टू मीट यू. मुझे पहले जाने दो. लेट मी गो फर्स्ट. लेट मी गो फर्स्ट. कौन हंस रहा है. हु इज लाफिंग. हु इज लाफिंग. नेक्स्ट इज हो गए फ्री अब आप. तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आर यू फ्री नाउ. आर यू फ्री नाउ. मुझे खाने का मन कर रहा है. आई फील लाइक ईटिंग. आई फील लाइक ईटिंग. वह बात करने में लगा हुआ है. ही इज एंगेज्ड इन टॉकिंग. ही इज एंगेज्ड इन टॉकिंग. नेक्स्ट इज मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ हिम. फ्रेंड्स गेट रीड ऑफ हिम का मतलब होता है उससे छुटकारा पाना. नेक्स्ट इज सोचने दो मुझे. लेट मी थिंक. लेट मी थिंक. मुझे अपने आप पर भरोसा है. आई बिलीव इन माई सेल्फ. आई बिलीव इन माई सेल्फ. मुझे सब बताओ. टेल मी एवरीथिंग. टेल मी एवरीथिंग. चलो अब घर चलते हैं. लेट्स गो होम नाउ. लेट्स गो होम नाउ. मैं किसी से बात नहीं करूंगी. आई वॉन्ट टॉक टू एनी वन. आई वॉन्ट टॉक टू एनी वन. फ्रेंड्स यहां पर वॉन्ट है इसका मीनिंग है विल नॉट. विल नॉट को हम वॉन्ट भी बोल सकते हैं. अपना चेहरा धो लो. वॉश योर फेस. वॉश योर फेस. अलार्म बंद कर दो. टर्न ऑफ द अलार्म. टर्न ऑफ द अलार्म. आप एक काम करिए. यू डू वन थिंग. यू डू वन थिंग. यह मेरे दिमाग से निकल गया. इट स्लिप्ड आउट ऑफ माई माइंड. इट स्लिप्ड आउट ऑफ माई माइंड. और सिंपली हम बोल सकते हैं इट स्लिप्ड माई माइंड. नेक्स्ट इज आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं. यू आर वेस्टिंग माई टाइम. You are wasting my time. Next is, मुझे नींद आ रही है. I am feeling sleepy. I am feeling sleepy. इसलिए मुझे सोने दो. So let me sleep. So let me sleep. इसलिए मुझे सोने दो. Next is, तुम्हें यह देखना चाहिए. यू मस्ट सी दिस. यू मस्ट सी दिस. आप इसे एक तरफ रख दे. प्लीज कीप इट असाइड. प्लीज कीप इट असाइड. यह मुझ पर छोड़ दो. लीव इट ऑन मी. लीव इट ऑन मी. अंदर कोई नहीं है. देर इज नो बडी इनसाइड. देर इज नो बडी इनसाइड. आजकल मेरा हाथ बहुत तंग है. तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम हार्ड अप दीज डेज. आई एम हार्ड अप दीज डेज. नेक्स्ट इज मैं इस मामले में सोचूंगा. I will think over this matter. I will think over this matter.
आप एक घंटा लेट हो गए हैं. यू आर लेट बाई एन आर. यू आर लेट बाई एन आर. क्या तुम अभी तक जाग रहे हो. आर यू स्टील अवेक. आर यू स्टील अवेक. मेरा पेन कहीं नहीं मिल रहा है. आई कांट फाइंड माई पेन एनीवेयर. आई कांट फाइंड माई पेन एनीवेयर. सबको ऐसा ही लगता है. एवरीबडी थॉट सो. एवरीबडी थॉट सो. सबको अंदर ले जाओ. गेट एवरीवन इनसाइड. गेट एवरीवन इनसाइड. चुपचाप बाहर जाओ. गो आउट क्वाइटली. गो आउट क्वाइटली. कोई ध्यान नहीं देगा. नोबडी विल नोटिस. नोबडी विल नोटिस. मेरे रास्ते से हट जाओ. मूव आउट ऑफ माई वे. मूव आउट ऑफ माई वे. मेरे रास्ते से हट जाओ. क्या आप वाकई में सच कह रहे हैं. डू यू रियली मीन दैट. डू यू रियली मीन दैट. दीवारों के भी कान होते हैं. इवन द वॉल्स हैव ईयर्स. इवन द वॉल्स हैव ईयर्स. मुझे ये सब मत बताओ. डोंट टेल मी ऑल दिस. डोंट टेल मी ऑल दिस. सीधे बैठो. सिट अपराइट. सिट अपराइट. उसकी मजाक मत बनाओ. डोंट मेक फन ऑफ हिम. डोंट मेक फन ऑफ हिम. मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं. I feel much better. I feel much better. क्या यह हंसने का समय है. Is it time to laugh? Is it time to laugh? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा. I never said that. I never said that. तुम सच में मूर्ख हो. यू आर रियली फूल. यू आर रियली फूल. मैं आपका नौकर नहीं हूं. आई एम नॉट योर सर्वेंट. आई एम नॉट योर सर्वेंट. मेरे पास पैसा नहीं है. आई हैव नो मनी. I have no money. उसे छुट्टी नहीं मिली. He could not get leave. He could not get leave. खिड़कियों को ठीक से बंद कर देना. Set the windows properly. Set the windows properly. फर्श पर मत थूको. Don't spit on the floor. Don't spit on the floor. गाड़ी से उतर जाओ. Get off the car. Get off the car. और अगर हम बोलते हैं गाड़ी में चढ़ जाओ तो उसको बोलेंगे Get on the car. Get on the car. मुझे शांति से जीने दो. Let me live peacefully. Let me live peacefully. मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा. I never said anything to you. I never said anything to you. मुझे दोनों पसंद हैं. I like both. I like both.
आपको क्या हुआ? What happened to you? What happened to you? पैर घसीट कर मत चलो. Don't drag your feet. Don't drag your feet. Next is, तुम्हें बहुत समय बाद देखा. इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, See you after a long time. See you after a long time. उसे देखकर अच्छा लगा. Nice to see him. Nice to see him. क्या मैं अच्छी दिख रही हूँ? Do I look good? Do I look good? मुझे घर छोड़ दो. Drop me home. Drop me home. दोस्तों यहां पर भी आपको होम से पहले ऑन या फिर एट या फिर टू कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करनी है. और दोस्तों होम एक ऐसा वर्ड है जिसके आगे कोई भी प्रेपोजिशन यूज करने की जरूरत नहीं होती है. नेक्स्ट इज, तुम्हारा घर कहाँ है? Where is your home? Where is your home?